हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बाल बहुत ही ज्यादा बाउंसी और बहुत ही ज्यादा घने हों? कितने लोग चाहते हैं? शेयरिंग अ शैम्पू रिव्यू। आप अपने बालों को वॉल्यूम देना चाहते हैं, बालों को घना बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने पहले भी आपके साथ एक DIY शेयर किया था, जिसमें कि आप चावल को भिगा दीजिए रात भर और उसके पानी से लास्ट रिंस लीजिए आफ्टर शैम्पू। ऐसा रेगुलरली करने से आपके बाल जो है बहुत ही ज्यादा थिकर और वॉल्यूमिनाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर इंस्टेंटली आप चाहते हैं कुछ ऐसा आपको ट्रिक मिल जाए जिसको एक बार में यूज करो आपके बाल बहुत ज्यादा थिक हो जाए, तो आज की वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। समटाइम्स हमें किसी पार्टी में जाना होता है या कोई हेयर स्टाइलिंग करनी होती है और हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा चिपकू चिपकू लगते हैं, तो हम कोई भी स्टाइलिंग जो है क्रिएट नहीं कर पाते अपने बालों पे। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही शैम्पू का रिव्यू बताने वाली हूँ जिसको कि आप इंस्टेंटली अगर यूज़ करते हैं एक बार में ही आपको इफेक्ट दिखेगा। इवन आफ्टर आई एम यूजिंग अ फर्स्ट टाइम और फर्स्ट वॉश में ही मुझे मेरे बालों में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूमनाइज फील हुआ। इवन आई वॉश टूडे दैट शैम्पू। तो आज ही मैंने जो है उसी शैम्पू से अपने हेयर को वॉश किया है और मुझे इंस्टेंटली फील हुआ कि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूमनाइज फील हो रहे हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके बालों को वॉल्यूम देने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो पहला तो है राइस वाटर, दूसरा है कोकोनट वाटर। जी हाँ, कोकोनट वाटर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपके बालों को वॉल्यूमनाइज बनाने में, आपके बालों को थिकर बनाने में। तो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ की कोकोनट बहुत इजीली अवेलेबल है, तो आप जरूर कोकोनट वाटर से अपने हेयर को वॉश करिए, आपके बाल बहुत ही ज्यादा घने फील होंगे आपको बहुत। सो गाइज, अगर आप चावल का पानी यूज करते हैं अपने बालों को वॉश करने के लिए रेगुलर बेसिस पे, तो इससे आपके बाल बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं इंस्टेंटली कोई ऐसा शैम्पू या ऑयल मिल जाए जिसको लगाते ही आपके बाल बहुत ही ज्यादा बाउंसी और थिकर हो जाए, तो क्या कोई ऐसा शैम्पू मार्केट में अवेलेबल है? तो मैं आज आपको ऐसे ही एक शैम्पू के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये शैम्पू है सनसिल्क ब्रांड का, दिस वन कोकोनट वाटर एंड एलोवेरा वॉल्यूम फॉर फुल एंड बाउंसी हेयर शैम्पू। जैसा कि ये शैम्पू क्लेम करता है कि ये फर्स्ट वॉश में ही आपके बालों को बहुत ही ज्यादा बाउंसी बना देता है, तो यस इट इज प्रूफ्ड। और मैंने इसको फर्स्ट वॉश में ही इसका इफेक्टिव रिजल्ट देखा, जैसा कि मैंने आज अपने बालों को इसी शैम्पू से वॉश किया हुआ है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये प्रोडक्ट है और गर्मियों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि गर्मियों में हमारे बाल बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं, हमारे स्कैल्प एक्चुअली बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये प्रोडक्ट है सनसिल्क ब्रांड, ये बालों की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है, ये 100% प्रूफ्ड है। और जैसा कि ये शैम्पू जो है एलोवेरा और कोकोनट वाटर बेस्ड है, तो बहुत ही अच्छे से बालों को वॉल्यूमनाइज करता है। साथ ही साथ अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं, तो 185 रुपीज का प्राइस है इसका एंड 370 ml का ये प्रोडक्ट है, विच इज वर्थ इट। बट मुझे सबसे अच्छी बात इस शैम्पू की ये लगी कि इसमें जो कोकोनट वाटर जो कि इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेंशन है, आपको इसकी फ्रेग्रेंस इस शैम्पू में क्लियरली मिलेगी। नॉर्मली शैम्पू में बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस यूज किए जाते हैं जो कि हमें पता चल जाता है स्मेल से ही, लेकिन इस शैम्पू में कोकोनट की स्मेल आ रही है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। ये बाहर से इसका बॉटल दिखता है ब्लू कलर का, बट अंदर से ये ट्रांसपेरेंट कलर का है और प्योर कोकोनट की स्मेल आती है, और शायद कुछ परफ्यूम वगैरह भी ऐड हो, लेकिन कोकोनट की बहुत ही स्ट्रांग स्मेल आती है इसमें, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू नो, इट फील्स लाइक कि हम कोकोनट वाटर से ही अपने बालों को वॉश कर रहे हैं। तो इंस्टेंटली अगर आपको किसी शादी पार्टी या फंक्शन में जाना है, तो आप इस शैम्पू से अपने बालों को स्टाइलिश और बाउंसी बना सकते हैं। गर्मियों के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि समर्स में हमारे ऑयल बहुत ज्यादा, यू नो, बाल बहुत ज्यादा ऑयली और स्कैल्प जो है बहुत चिपचिपे से हो जाते हैं। तो इसलिए ये शायद लास्ट ईयर सनसिल्क वालों ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, बट मैंने इसको अभी रिसेंटली यूज किया। सो गाइज, इसके अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करूं, तो इसमें एलोवेरा
जेल और कोकोनट वाटर बेस्ड होने के साथ साथ इसमें जो है सल्फेट भी है, यानी कि सोडियम लॉरल सल्फेट। और मैं हमेशा आपको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करने की एडवाइस देती हूँ, तो इसमें सल्फेट है, लेकिन आप इसको समटाइम्स कभी कभार अगर आपको किसी इवेंट में जाना हो, किसी शादी पार्टी या फंक्शन में जाना हो, तो आप अपने बालों में वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए इस शैम्पू को यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं भी इसको समटाइम्स यूज करूंगी जब मुझे कोई हेयर स्टाइलिंग करनी होगी या किसी इवेंट में जाना होगा तो। अदरवाइज मैं इसको रेगुलर यूज करने की एडवाइस नहीं दूंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चल के ये आपके बालों को डैमेज कर सकता है, क्योंकि इसमें SLS है। अदरवाइज इट इज गुड। सो गाइज, आप सब इसको यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज माई रिव्यू अबाउट दिस शैम्पू। आई होप इट इज यूजफुल फॉर यू ऑल गाइज। सो मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।